काफी दिनों के बाद ना गॉडजिला पे ब्लॉग आ रही है, तो आप लोग प्यार जरूर दिखाना और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिख देना भाई। ये चेक करो गाइस, नहीं बैक टू चैनल गाइस, एंड आज की वीडियो होने वाली है भाई, आपने थंबनेल टाइटल देख के समझ गया होगा भाई किस बाइक के ऊपर होने वाली है। बाकी ये चेक कर लो भाई हुडी, इस पे भी भाई कावासाकी है। ये हुडी कहाँ से है भाई, इसको 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 खींच कर लाते हैं। भाई के पास हुडी था भाई, इस पे ना कावासाकी लिखा था, तो मैंने सोचा भाई चलो आज एक्सचेंज कर लेते हैं। ये वाला हुडी भाई मैंने इसको दे दिया और ये वाला मैंने पहन लिया, क्योंकि भाई ये ना बहुत सही लग रहा है दिखने में। और भाई ये वाला जो देख रहे हो पार्ट, ये पार्ट ना भाई बहुत तगड़ा है। अच्छी अच्छी रील्स भी शूट होने वाली है, जो कि आपको सिर्फ और सिर्फ इंस्टाग्राम पे देखने को मिल सकती है। तो मुझे जाकर जल्दी से फॉलो करो स्ट्रीट बनर 15। और भाई तुम्हारा आईडी क्या बता दो जल्दी, ऑफिशियल डॉट हर्ष भाई। इतना अच्छा ना, मतलब चार है अच्छा हर्ष के एंड में, ठीक है। मैं ना बस को ये बोला कि भाई जब लास्ट में जब नाम लिखवा रहे थे ना, मतलब बाइक पे कल स्टिकर लगवा रहे थे, तो मतलब भाई चार हर्ष क्यों दे दिया। तो होता क्या ना, जैसे कि बहुत सारे ऑलरेडी भाई पहले से ऑक्यूपाइड रहते हैं यूजर नेम, तो फिलहाल अभी मिलते हैं आप लोगों से सीधा GoPro पे। एंड आज बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि अपनी गॉडज़िला पे राइड होने वाला है और साथ में चलने वाली है इसकी भाई 390। तो बिना लेट के गाइस सीधे मिलते हैं आप लोगों से ऑन GoPro। गाइस बाइक पे तो आ चुके भाई, लेकिन ना बिल्कुल भी थ्रॉटल आउट नहीं कर सकते भाई। रोड का हाल देख लो, अपना टेल टाइट हुआ पर भाई पूरा कीचड़ ना अपने बैक पे आ जाने वाला है, इसलिए बिल्कुल आराम आराम से चलेंगे। जहाँ सूखा रोड मिलेगा वहीं पे बाइक भगाने वाले भाई। ऐसे में तो देख सकते हो भाई पूरा रोड ही बैठे अभी। तो अब जाके भाई खुला रास्ता मिल चुका है और सूखा रास्ता स्पेशली। तो आज ना वीडियो में आपको रिएक्शन भी चेकआउट कराऊंगा भाई, हमने 360 भी माउंट किया यहाँ पे। मतलब जब ट्रैफिक रहता ना, उसमें आप भाई सुपर बाइक को उस तरीके से नहीं भगा सकते जैसा कि आप एक नॉर्मल बाइक को भगा सकते हो। स्पेशली मतलब सिंगल सिलेंडर बाइक्स को आप जैसा भाई राइड कर सकते हो ना टाउन में, वैसा आप सुपर बाइक को कभी भी नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें ना बहुत ज़्यादा पावर होता है। एंड भाई अगर गलती से भी थोड़ा ज़्यादा आपने थ्रॉटल ले लिया, फिर कुछ ना कुछ कांड हो सकता है। इसलिए हमेशा लिमिट में चलाया करो, कभी भी भाई दूसरे को देखकर ना भाई ओवर एक्साइटेड मत हो जाया करो। मैंने बहुत सारे राइडर्स को देखा दूसरे को देखकर भाई थ्रॉटल आउट कर देते, बट उन्हें ब्रेक ही लगाना नहीं आता, जब स्पीड ज़्यादा हो जाती है फिर कंट्रोल के बाहर चली जाती है। इसलिए मैं बोलता हूँ हमेशा अपने लिमिट में ही राइड किया करो। चलो अभी आगे चलते हैं भाई, ट्रैफिक से निकलते हैं पहले, ट्रैफिक हर तरफ बहुत ज़्यादा होने लगा है भाई। काफ़ी दिनों के बाद ना गॉडज़िला पे ब्लॉग आ रही है, तो आप लोग प्यार जरूर दिखाना और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिख देना भाई। बाइक को राइड ना करो तो मजा नहीं आता, अपनी तो वैलेंटाइन यही है भाई। ये लो डाउनशिफ्ट, भाई स्कॉर्पियो वाले ना साइड नहीं देते बिल्कुल। अभी ये सोच रहा हूँ कि भाई Z900 लेकर भी पीछे हो जा रहा है बंदा 390 से, मैंने आपको बता दिया उसका रीज़न। हो तगड़ी वीली भाई। कहीं पे गीला कहीं सूखा है, इसलिए ना बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, कहीं पे स्लिपरी बहुत ज़्यादा हो सकता है, कहीं पे भाई सूखा है, तो थोड़ा आराम आराम से ही भगाएंगे बाइक को। टायर ना बहुत ज़्यादा स्किड हो रही है, और आप सबको पता है भाई मैं ट्रैक्शन ऑफ करके चलाता हूँ,
जितने मैंने सबने माउंट किया है इसका यूज़ नहीं करे तो मज़ा नहीं आएगा। ये कर दिया हमने इसको भी ऑन। गॉडज़िला की आवाज़ ना भाई मेरे कानों में एकदम गूंज रही है। एलिवेटेड की तरफ चलेंगे क्योंकि मरीन ड्राइव पे ना बहुत ज़्यादा रश होता है और आज बाइक थोड़ा भाई भगाने का मन कर रहा है इसी वजह से। ये देख रहे हो भाई फ्लाई वे पे फ्लाई वे देते जा रहा है। साउंड्स काफ़ी प्यारे लग रहे होंगे भाई। बाइक जैसे स्लो डाउन हो गया ना तो एकदम कान ही शांत हो गया भाई अपना। भाई क्लीन नहीं है, बहुत ज़्यादा ना सैंड पार्टिकल्स रहते हैं तो कॉर्नर पे ना भाई कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं आता। ऊपर से रोड भी आज हर तरफ वेट है। ओहो
दैट क्रैकलिंग साउंड मैन। ये पता नहीं कितना रिकॉर्ड किया क्या नहीं, पता नहीं भाई, ये कुछ एरर आ रहा है। ऐसा तक हमने इंस्टा 360 माउंट किया है कि भाई इससे शायद अच्छा फुटेज आए, ख़राब ना हो, बट इसका भी देख लो क्या हालत हुआ पड़ा है। मुझे ना कभी भी भाई ये सारे एक्शन कैमरा ना समझ ही नहीं आते, हमेशा कुछ ना कुछ पंगा आते ही रहता है। गाइस तो फाइनली वी आर ऑन दिग्गा एम्स एलिवेटर। भाई ये भी है ना पूरा भीगा है, सूखा नहीं है भाई, तो भगा नहीं सकते ज़्यादा। आज अपनी बाइक ना बस पटाखे मार रही है, वो भी बहुत ही तगड़े पटाखे। ये जो पूरा जॉइंट्स है ना इस पे बहुत बम्प फील हो रहा है, ये देखो। बाइक ना इस पे बिल्कुल भाई परेशानी हो रही चलाने में। एक चीज़ तो भाई मैंने नोटिस किया, जो भी रोड नया बनता है ना भाई उस पर राइड करने में काफ़ी मज़ा आता है भाई, धीरे धीरे कुछ ही दिनों में ना भाई पूरे ख़राब हो जाते हालत रोड के। भाई ये भी हो चुका है यहाँ का, ये भाई वीडियो चेक करो। दिस डैशबोर्ड इज ऑलवेज बेस्ट इन दिस सेगमेंट। मतलब 900 सीसी की अगर आप कोई सी भी बाइक लेकर आ जाओ ना, जिसका कॉकपिट व्यू भाई इससे अच्छा दिखता हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। भाई इसका कॉकपिट व्यू ना एकदम अमेजिंग है, मतलब नेकेड बाइक में ना भाई मुझे सबसे ज़्यादा पसंद यही लगती है भाई इस सेगमेंट में स्पेशली, और जिस प्राइस फिगर में ये आती है ना कुछ कहना ही नहीं है इसका। यहाँ पे रुकते हैं भाई साइड पे। सो गाइस नाउ इट्स टाइम फॉर सम बैक फायर, तो भाई इसके लिए अपन स्टार्ट कर देते बाइक को, और ये चेक करो भाई। भाई काफ़ी हो गया आज के लिए। ऑलराइट गाइस, तो अभी भाई मैं एक काम करने वाला हूँ, इसको करते हैं भाई लो पावर पे। ट्रैक्शन मैंने फुल कर दिया, मैं आ गया 390 पे और इसको दे दिया मैंने Z900, क्योंकि ना भाई मेरे को ना मन कर रहा है अभी बाइक को चलते हुए देखने का थोड़ा, और अपने को भाई थोड़ा इसे ये चलाने का मन कर रहा है। मैंने लो पावर पे इसलिए कर दिया ना क्योंकि भाई वो यूज टू बिल्कुल भी नहीं है बाइक से, मतलब इस बाइक से स्पेशली। बाकी वो 390 चला रहा है तो भाई उसको ना इस बाइक को चलाने में ज़्यादा प्रॉब्लम होगा नहीं। भाई मुझे ना उस बाइक में एक चीज़ का कमी बहुत ज़्यादा फील होता है, वो है भाई उसका क्विक शिफ्टर। उस बाइक में अगर क्विक शिफ्टर होता ना भाई तो बाइक सच में बहुत ही मज़ेदार हो जाता, बट एक क्विक शिफ्टर की कमी लगती है मुझे उस बाइक में कहीं ना कहीं। जो कह लो भाई बाइक चलते हुए क्या प्यारी लग रही है। भाई फुल थ्रॉटल कर दिया मैंने। तो गाइस वापस से अपन आ चुके हैं मरीन ड्राइव के ऊपर एंड बाइक हमने कर लिया स्विच भाई, हर चीज ऑन इज न्यू 390 एंड मैं अपने बाइक पे आ चुका हूँ अपनी गॉडज़िला पे। सीन ये है भाई कि अभी जाना है भाई उसका ब्रेक ठीक कराने, क्योंकि मुझे ना बहुत ज़्यादा फील हो रहा है भाई उसका जो फ्रंट व्हील है ना वो बहुत ही फस के चल रहा है, अटक रहा है। तो एक तो माइलेज ड्रॉप होगी होगी उससे, बाकी ब्रेकिंग्स में भी काफ़ी दिक्कत होने वाली है, इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ भाई अभी ही चल के करा लेते हैं। क्योंकि देखो ये सब चीज़ ना भाई ब्रेक्स वगैरह ये सब हमेशा ना भाई जितना अच्छा हो सके अपने गाड़ी में रखना चाहिए,
क्योंकि देखो बाइक एक ऐसी चीज़ है ना भाई, आप स्पीड भगा लोगे लेकिन जब उसे रोकना होता है उसका ब्रेक ही काम आता है भाई। अगर ब्रेक अच्छा नहीं है तो फिर बहुत दिक्कत होता है भाई। इधर देख लो बहुत अलग ही माहौल चल रहा है, ये कोई शिप है। चलो भाई अपने को तो चलना है अभी आगे की तरफ। करो भाई डाउनशिफ्ट, और ये चक्कर हो गाइस वीली। ओ भाई भाई मैं तब से लिमिट में चला रहा, इसका मतलब ये नहीं कि मैं चलाना भूल गया भाई। की एयरलाइंस भाई इसका हमेशा जब भी भाई ये लॉन्च होती है ना, एक व्हील इसकी हवा में ही रहती है। राइड करके बहुत ज्यादा मजा आ गया गाइस। आई होप आपको आज की नई वीडियो अच्छी लगा, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। एंड गाइस फिर मिलते हैं किसी ऐसे धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, राइड सेफ एंड राइड हार्ड।